हाय एवरीवन, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं डिजिलाइज। हम आ गए हैं फिर से आपके लिए एक पावरफुल नई केस स्टडी लेके जो अमेज़न पर। तो क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी अमेज़न को बनाने वाले कौन है? जी हाँ, सही सोचा आपने, जेफ बेजोस। वे आज के इस 21st सेंचुरी के रिचेस्ट पर्सन भी बन गए हैं, जिनकी नेटवर्थ बिल गेट्स $102.1 बिलियन, बर्नार्ड आर्नोल्ड $93.1 बिलियन से कहीं ज्यादा $153.72 बिलियन हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे अमेज़न के एक ई कॉमर्स जायंट बनने से पहले जेफ बेजोस क्या किया करते थे, वे इतने बिलियनियर कैसे बने, वर्ल्ड पॉपुलर कंपनी अमेज़न के विजन और मिशन क्या थे, फिर देखेंगे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अमेज़न के बारे में, डिस्कस करेंगे कि अमेज़न का बिजनेस मॉडल क्या है, लास्ट में बात करेंगे कि अमेज़न से लर्निंग लेके हम हमारे लाइफ में या फिर बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ सीख के लाइफ में आगे बढ़ना है तो उससे सीखना चाहिए जो खुद सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो जेफ बेजोस से लिए गए लेसन्स अप्लाई करके हम अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो बात है 12 जनवरी 1964 की, जब जेफ बेजोस का जन्म हुआ तब उनकी मदर सिर्फ 17 ईयर्स के थे। वे बचपन से ही क्यूरियस और इन्वेंटिव चाइल्ड थे। थोड़ा बड़े होने के बाद उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में बढ़ने लगा और एक ऐसा अलार्म बनाया जो बजने लगता जब उनके ब्रदर और सिस्टर रूम में एंटर करते। उनकी एज 12 ईयर्स थी, तब तक उन्होंने इतने सारे साइंस प्रोजेक्ट बना दिए थे कि उनका पूरा रूम प्रोजेक्ट से भर गया था। तब पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि सारे प्रोजेक्ट्स को एक गैरेज में शिफ्ट करने। स्कूल कंप्लीट करने के बाद जेफ ने यह सोच के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ताकि वे फिजिक्स पढ़ सकेंगे, जो कि उनका इंटरेस्ट भी था। बट कुछ टाइम बाद उनको ये पता चल गया था कि उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में नहीं है, तो उन्होंने अपने कदम बढ़ाए कंप्यूटर की तरफ और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करने का डिसाइड किया। 1986 में उन्होंने फिटेल कंपनी ज्वाइन की, जहां उनका काम कंप्यूटर नेटवर्क बनाना था कंप्यूटर फाइनेंस के लिए। उसके बाद 1992 में एक और कंपनी डीई शो एंड को ज्वाइन की कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट पर। अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन की हेल्प से वे कुछ ही टाइम में वहां के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए और देखते ही देखते 2 साल बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। जेफ बेजोस की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और एक अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। तभी उन्होंने पढ़ा कि इंटरनेट 23,000% से ग्रो कर रहा है। ये न्यूज़ ने उनको हिला कर रख दिया और उन्होंने सोचा कि वे भी अपनी एक छोटी कंपनी ओपन करना चाहते हैं कुछ ऑनलाइन सेलिंग करते हुए। उन्होंने बहुत सोचा और इस कन्फ्यूजन पर आए कि अगर उन्होंने इंटरनेट की पावर को आज नहीं समझा तो बाद में वे बहुत रिग्रेट करेंगे। यही एक मेन रीजन था उनके जॉब को रिजाइन करने और नई कंपनी ओपन करने का। उन्होंने इंटरनेट से बुक सेल करना शुरू कर दी। तो ये थी कहानी अमेज़न के स्टार्ट होने की। अब बात करेंगे कि जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न बिलियनियर कैसे बन गई इतने कम टाइम में। अब इस वीडियो को ध्यान से देखें और हो सके तो कॉपी और पेन भी साथ में रख लें। हम डिस्कस करेंगे अमेज़न के सक्सेसफुल होने के रीजंस क्या क्या थे। वे हमेशा फोकस इस पे करते हैं कि उनके कस्टमर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, वे ये जानते हैं कि उनके कस्टमर को लेट प्रोडक्ट मिलना, प्रोडक्ट का डिफेक्टिव हो जाना या प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक हो जाना नहीं पसंद है, और एज अ रिजल्ट आप अमेज़न की सर्विस अच्छे से जानते ही हैं। सेकेंड रीजन अमेज़न के सक्सेसफुल होने का ये है कि उन्होंने अपनी कंपनी में 6 कोर प्रिंसिपल बनाए और उनके सब एम्प्लॉयज उन प्रिंसिपल को एक रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो 6 कोर प्रिंसिपल कौन से हैं? पहला प्रिंसिपल है कस्टमर ऑब्सेशन, उसी पर फोकस करना जिससे उनके कस्टमर के फेस पर स्माइल आए। सेकंड प्रिंसिपल है फ्रुगैलिटी। अमेज़न एक रिचेस्ट कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वे मनी को मिसयूज करें। वे अपने मनी को बहुत अच्छे से और सोच समझ के यूज करते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं कि किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए उसके 100% इन्फॉर्मेशन तक वेट नहीं करना। अगर 70% इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है तो वर्क स्टार्ट कर दीजिए, एक्शंस लेना इम्पॉर्टेंट। इसका एक एग्जांपल है अमेज़न प्राइम। अमेज़न प्राइम के फर्स्ट थॉट आने के 111 डेज में ही अमेज़न प्राइम को पूरे वर्ल्ड में अप्लाई कर दिया प्रमोशन और मार्केटिंग के साथ। जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई थी शुरू में, बट जेफ बेजोस को ये भी पता था कि हो सकता है कि आपका पहला प्रोडक्ट जरूरी नहीं है परफेक्ट या फाइनल प्रोडक्ट हो। बाद में इश्यूज और एरर्स को सॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लीडरशिप। बेजोस खुद भी एक लीडर बने और अपने एम्प्लॉयज में भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करके ई कॉमर्स इंडस्ट्री डोमिनेट की। लास्ट प्रिंसिपल है लर्न, इनोवेट एंड क्रिएट। बेजोस अपने से अच्छे और ज्यादा टैलेंटेड लोगों के साथ रहना पसंद करते थे।
वे दूसरों को फॉलो करने के बजाय खुद कुछ क्रिएट या इनोवेट करने पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। अब देखते हैं थर्ड रीजन अमेज़न के सक्सेसफुल होने का। जैसा कि हमने देखा, अमेज़न अपने कस्टमर्स को किंग मानते हैं, चाहे उनको कोई लॉस भी क्यों ना उठाना पड़े। जेफ बेजोस ने अपने कस्टमर की हेल्प के लिए कुछ इनोवेट किया, जैसे वन क्लिक पेमेंट, जिससे उनके कस्टमर को हर बार कार्ड डिटेल्स ऐड करने में टाइम जो वेस्ट होता है वो ना हो। और भी बहुत कुछ, जैसे रेटिंग सिस्टम, फीडबैक सिस्टम, ताकि उनके नए कस्टमर्स फूल ना बन जाए किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले या बाद में। लास्ट रीजन ये है, अमेज़न ने रेगुलर एफर्ट्स करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ नए और कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए, जिसमें कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो कुछ कंपनीज परचेज कर ली। जेफ बेजोस ने इन्वेस्ट किया है इन टॉप कंपनीज में गूगल, उबर, ट्विटर और लुकआउट। अमेज़न ने इन्वेस्ट किया है इन कंपनीज में बैंक बाजार, होम ग्रोसर, इजी बार और वाइन डॉट। ये कंपनीज हैं जिनको अमेज़न ने खरीद लिया, होल फूड, ट्विच, ऑडिबल, ज़ेपोस, IMDb, द वॉशिंगटन पोस्ट और गुड रीड्स। देखते हैं कि अमेज़न के अब तक के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। अमेज़न रिटेल गुड्स, अमेज़न प्राइम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेज़न गेम स्टूडियोज, अमेज़न वीडियोज, अमेज़न म्यूजिक, अमेज़न गो, अमेज़न वायरलेस, अमेज़न किंडल और अमेज़न वेब सर्विसेज। तो ये थे कुछ रीजंस और प्रोडक्ट जिनकी वजह से अमेज़न एक बिलियनियर कंपनी बना। चलिए अब देखते हैं अमेज़न के मिशन और विजन क्या है। पहले बात करते हैं विजन की। टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी वेयर कस्टमर्स कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। सबसे पहले कहना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इनका कस्टमर है और कस्टमर सेंट्रिक बोल के ये अपने कस्टमर को फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं। और लास्ट में कहते हैं कि ये वो सब डिस्कवर करेंगे जो इनका कस्टमर ऑनलाइन खरीद सकता है। अब बात करते हैं मिशन की। वी स्ट्राइव टू ऑफर आवर कस्टमर द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस, द बेस्ट अवेलेबल एंड द अटमोस्ट कन्वीनियंस। इस मिशन में कहीं तीन बातों पर फोकस करें, लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस, बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन और अटमोस्ट एक्सपीरियंस। ये अपने कस्टमर को जितना हो सके उतनी कम प्राइस में सबसे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट के साथ अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस करा सके, इस पर फोकस करते हैं। समझ आया? चलो एक बार फिर से, ये अपने कस्टमर को जितना हो सके उतना कम प्राइस में सबसे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट के साथ अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस करा सके, इस पर फोकस करते हैं। अब देखते हैं कि अमेज़न किस बिजनेस मॉडल पर वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग से ही अमेज़न का मेन वर्क बेस्ट कस्टमर सर्विस और फास्टेस्ट डिलीवरी करना है। ये कोई ना कोई नए तरीके लाते रहते हैं जिससे इनकी प्रोडक्ट डिलीवरी इम्प्रूव कर सके, जैसे अमेज़न को सेम डे डिलीवरी, डिलीवरी बाय ड्रोन। अब बारी आती है कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1 ये है कि आज जेफ बेजोस की नेटवर्थ इतनी ज्यादा है कि नेपाल की जीडीपी भी उनके आसपास स्टैंड नहीं करती, जो कि 28.1 बिलियन डॉलर है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड की 100 कंट्रीज ऐसी है जिनकी जीडीपी मिलाकर भी जेफ बेजोस की नेटवर्थ से बहुत कम है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि अमेज़न का नाम सबसे पहले काडाब्रा था, जो कि आबरा काडाब्रा से इंस्पायर्ड था। स्ट्रेंज, isn't it? क्या आप जानते हैं कि अमेज़न ये नेम क्यों रखा गया था? एक रीजन ये था, अमेज़न रिवर जो कि एक लार्जेस्ट और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में, तो लार्जेस्ट को डिनोट करने के लिए रखा गया था नाम अमेज़न। सेकेंड रीजन ये था कि 1994 के टाइम सर्च इंजन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में वेबसाइट रैंक किया करते थे, इसीलिए A4 अमेज़न नाम रखा गया ताकि वेबसाइट सबसे पहले रैंक हो सके। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको अमेज़न के एरो के लोगों से कुछ पता चल रहा है? ये अपने कस्टमर को कन्वे कर रहे हैं कि हमारे स्टोर पे आपको A to Z सब अवेलेबल होगा। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट ये है कि अमेज़न में वर्क कर रहे हर एक एम्प्लॉय को कस्टमर सर्विस एजेंट की जॉब करनी होती है हर 2 साल में कम से कम 2 दिन, ताकि हर एक एम्प्लॉय को कस्टमर की क्या प्रायोरिटी होती है ये पता चल सके। तो क्या आप ये सोच रहे हैं क्या जेफ बेजोस भी ये जॉब करते हैं? जी हाँ, जेफ बेजोस को भी ये जॉब करनी पड़ती है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि एक बार अगस्त 2013 में अमेज़न की वेबसाइट 40 मिनट तक बंद हो गई थी किसी एरर की वजह से, तो अमेज़न को 5 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया था, यानी कि 35,79,84,000 रुपीस। कैन यू इमेजिन? फैक्ट नंबर 7, जैसा कि हम जानते हैं जेफ बेजोस वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है, बट क्या आप ये जानते हैं कि उनकी पूरे ईयर की सैलरी कितनी है? $80,000, यानी कि 57,54,800 रुपीस। एक मंथ की सैलरी हुई 4,79,566 रुपीस। अब क्या आप ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की सैलरी बस कुछ 5 लाख रुपए? जी हाँ, सही सुना आपने, बस 5 लाख ही।
क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आज जेफ बेजोस के साथ हैं और इसी वजह से वे पूरे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब बात करते हैं अमेजन से ली कुछ लर्निंग्स की। बेजोस बचपन से ही एक क्रिएटर और इनोवेटर थे जिसकी वजह से अमेजन इतना बड़ा बन पाया। तो आप भी एज ए स्टूडेंट, बिजनेसमैन या फिर जॉब सीकर अपने में क्यूरियोसिटी डेवलप करें कुछ इनोवेट या बड़ा क्रिएट करने की। जैसा कि हमने देखा कि जेफ बेजोस ने फिजिक्स को ड्रॉप करके इंजीनियरिंग करने का डिसीजन लिया, वैसे हमें भी सेल्फ अवेयरनेस के साथ ये पता करना चाहिए कि लाइफ में हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। क्या आपको पता है कि जेफ बेजोस ने अपनी वेलपेड जॉब को ड्रॉप करके एक छोटी कंपनी स्टार्ट करने का क्यों सोचा? क्योंकि उनको इंटरनेट के फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में पता चल गया था। आप भी अपने बिजनेस में फ्यूचर के पोटेंशियल को देखते हुए प्रेजेंट के एक्शन तैयार कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। आप भी जेफ बेजोस की तरह कोर प्रिंसिपल बनाएं और उन्हें रिलीजन की तरह फॉलो करें ताकि जब भी बिजनेस में क्राइसिस आए तब आपको आपके कोर प्रिंसिपल्स सेव कर सके। तो इसी के साथ ये इंस्पिरेशनल केस स्टडी खत्म होती है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई तो लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी के पास अमेज़न से मिले बिजनेस और लाइफ लेसंस पहुंच सके। ऐसे ही पावरफुल और नॉलेजेबल केस स्टडीज को सबसे पहले देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।